दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करेंगे पटवार भर्ती परीक्षा को लेकर। आप स्क्रीन पर जैसा कि देख रहे हैं, राजस्थान सरकार राजस्व मंडल अजमेर ने एक लेटर जारी किया है जिला कलेक्टर को। इस लेटर में जो पटवार की वैकेंसी आने वाली हैं, उस वैकेंसी के रिक्त पदों की सूचना के संबंध में जानकारी मांगी गई है। इसमें किस जिले में कितने पद स्वीकृत हैं और कितने कार्यरत हैं, कितने रिक्त हैं, इसके साथ ही जो विज्ञप्ति जारी की जानी है, उस विज्ञप्ति में किस जिले के लिए कितने पद आवंटित किए गए हैं, इन तमाम जानकारियों पर हम चर्चा करेंगे। ये जो एग्ज़ाम है पटवारी भर्ती परीक्षा का, ये एग्ज़ाम सीटी बेस एग्ज़ाम है, यानी जिन लोगों ने सीटी का एग्ज़ाम दिया है उसके आधार पे ही ये परीक्षा होने वाली है आपकी। आप देख सकते हैं कि पटवारी पद की जो नवीन भर्ती हेतु अर्थना भिजवाने के लिए ऑल जिला कलेक्टर्स को लेटर लिखा गया है। इस लेटर में जो बजट की घोषणा थी 24-25 के क्रम में, बजट घोषणा संख्या 25 थी और इसमें 1963 पदों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, यानी जो भर्ती आनी है 1963 पदों पे पटवारी की भर्ती होनी है। इसमें जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने सीट्स मांगी हैं कि किस जिले में किस कैटेगरी की कौन कौन सी सीटें, कितनी सीटें खाली हैं, उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मेट में सूचना मांगी है, स्वीकृत कितने हैं, कार्यरत कितने हैं, रिक्त कितने हैं और भर्ती के लिए पदों का वर्गवार गणना, यानी इस प्रपत्र में सूचना प्रदान करनी है। ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी, कुल पदों का जो प्रतिशत है वो 100 है। अब देखो इसमें क्या है कि जो सूचना आई है वो सूचना इस प्रकार है, अप्रैल 2024 की स्थिति में जो नॉन टीएसपी एरिया है, उस नॉन टीएसपी एरिया के लिए सबसे पहले तो अजमेर ज़िला आता है और इसमें कुल 282 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से कार्यरत पदों की संख्या 274 हैं, 8 पद रिक्त हैं, पर जो भर्ती की जानी है 1963 पदों पर, उन 1963 पदों में अजमेर ज़िले में कोई वैकेंसी खाली नहीं है, यानी अजमेर में जो वैकेंसी हैं वो शून्य हैं। इसके बाद में अगला ज़िला है अलवर। अलवर में 331 पद पटवारियों के स्वीकृत हैं, उसमें से 246 पदों पर कार्यरत हैं पटवारी और 84 पद खाली हैं, पर जो अनुपात है 1963 पदों का उसके अकॉर्डिंग 59 सीट्स आपको अलवर में मिलेगी। इसी प्रकार से 22 सीट अनूपगढ़ में, बालोतरा में 44 सीट मिलेगी, 46 सीट बारा में, बाड़मेर में 67, ब्यावर में 41 सीट खाली हैं, भरतपुर के अंदर 30, भीलवाड़ा में 74। अब तक जो ज़िले हैं उसमें भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं, 74 पद हैं, बीकानेर के अंदर 33 पद हैं, वहीं बूंदी के अंदर 37, चित्तौड़गढ़ के अंदर 60 सीट्स वैकेंट है, जो 1963 पदों की वैकेंसी है उसमें 51 पद, चूरू ज़िले में 51 पद रिक्त हैं, दौसा में 44 हैं, इसी प्रकार डीडवाना कुचामन के अंदर 46, डीक के अंदर 53, धौलपुर में 39, दूदू के अंदर 15, श्रीगंगानगर में 28, गंगापुर सिटी में 44, हनुमानगढ़ में 13, जयपुर और जयपुर ग्रामीण इसमें कोई पद भर्ती के अकॉर्डिंग नहीं है, वैसे 5 पद रिक्त हैं परंतु ये विज्ञप्ति में पद शामिल नहीं है। जैसलमेर के अंदर 28 पद रिक्त हैं, जालौर में 52 हैं, झालावाड़ में 57 हैं और झुंझुनू में 16 है, जोधपुर ग्रामीण में 53 पद खाली हैं। इसी प्रकार करौली के अंदर 23 पद रिक्त हैं, केकड़ी के अंदर 73, यानी केकड़ी और भीलवाड़ा अब तक अपन ने जो ज़िले देखे हैं उसमें केकड़ी और भीलवाड़ा में सर्वाधिक पदों की रिक्तियां हैं। खेरतल तिजारा में 31 पद हैं, कोटा के अंदर 42, कोटपुतली बेरोड में 24 पद रिक्त आ रहे हैं जो विज्ञप्ति जारी होने वाली हैं,
नागौर में 51 पद हैं, नीम का थाना में 22, पालिक के अंदर 65 सीट्स वैकेंट है, फलोदी में 30 हैं, राजसमंद में 54 हैं, सांचौर में 18, सवाईमाधोपुर में 32, शाहपुरा में 36, सीकर के अंदर 8 पद हैं और सिरोही के अंदर 27, टोंक के अंदर 53 और उदयपुर में 39। इस प्रकार से 1680 पद हैं वो नॉन टीएसपी के लिए रिक्त हैं, और जो टीएसपी एरिया हैं उसमें बांसवाड़ा में 63, डूंगरपुर में 68, चित्तौड़गढ़ में 1, पाली में 1, राजसमंद में 2, सिरोही में 11, 78 पद खाली है प्रतापगढ़ में। तो आप देखिए प्रतापगढ़ में टीएसपी एरिया में सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं, उदयपुर में 49 और सलोमर में 11, यानी 283 पद हैं वो टीएसपी के लिए हैं और 1680 पद हैं वो नॉन टीएसपी के लिए हैं। अब जब रिजल्ट जारी किया जाएगा, ये विज्ञप्ति जारी होने के बाद, 15 गुना जो सीईटी का रिजल्ट है वो 15 गुना लोगों को एलिजिबल किया जाएगा इसमें। तो आप ये मान के चलिए 1963 पद हैं जिसमें तकरीबन 30,000 अभ्यर्थियों को पास किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार 30,000 अभ्यर्थी, 30,000 कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में सीटी एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, जिनको इस भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो ये एक सुनहरा अवसर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कई दिनों से पटवारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको अब बिना वक्त गवाए अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करना है। ये राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप वन ने लेटर लिखा है निबंध राजस्व मंडल, ये प्रबंधक को लिखा राजस्व मंडल के, कि जो ये बजट संख्या है उसमें 1963 पद की जो प्रावधान किया गया था उसमें माननीय न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित निर्णयों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए सीधी भर्ती से भरने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी ये आईडी संख्या है। फाइनेंस में जब कोई भी अप्रूवल मिलता है तो उसकी एक आईडी संख्या होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये 16/24/0482 दिनांक 4 मार्च को ये परमिशन ग्रांट की गई थी। तो ये पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। पटवारी का जो सिलेबस है वो सिलेबस भी तकरीबन वही रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस में ज़्यादा चेंजेज होने के चांस बहुत ही कम हैं, इसलिए सारे लोग अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं ताकि आपका सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।